बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन उकराम, अगर आपने अपनी ज़िंदगी से बेजार रहना शुरू कर दिया है, अल्लाह की पसंद होना शुरू कर दिया है, दिखने में अगर आप बीमार लगते हैं, अपने आप को हकीर जानना, अफसोदा और फिक्रमंद रहना, बेएतमादी, सर दर्द, कमर दर्द, तेजाबियत, बालों का गिरना, खवातीन में महाना आयाम की खराबी, ज़िंदगी से तंग होना शुरू कर दिया है, अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोच रही हैं, तो यकीन जानिए कि आप ऐसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं जिसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन और टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को मौत के घाट उतार देती है। टेंशन डिप्रेशन जैसी बीमारी इंसान को मौत के मुंह में इस कदर ले जाती है कि इंसान आखिरकार मर जाता है। उम्मीद करूंगी इस रूहानी अमल से जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये अमल जब आप करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन का सहारा लेकर मुझे ज़रूर बताइएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करिएगा कि आप एक खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं। उम्मीद करूंगी आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और उन लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि जो इस बीमारी का शिकार है वो इस बीमारी से दूर हो जाए, इस बीमारी से उनको रहाई मिल जाए। उम्मीद करूंगी आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। डिप्रेशन और टेंशन की बीमारी से दूर रहने के लिए आपने क्या करना है वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो ये अमल है कि आपने रोज़ाना सुबह उठना है, फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने वॉक करनी है। चाहे आप कहीं बाहर जाके वॉक करें या घर पे छत पे वॉक करें, जैसा भी आप करना चाहें आप रोज़ाना वॉक करें। आपने 1000 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपने 1000 मरतबा पढ़ना है और साथ साथ आपने वॉक करते जाना है। जब आपका 1000 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जब आप कंप्लीट 1000 मरतबा पढ़ लेंगे तो आपने अपनी वॉक रोक देनी है और घर वापस आ जाना है। अगर आप घर में छत पे कर रहे हैं तो आप नीचे आ जाए। तो यकीन जाने कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अगर आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपकी टेंशन डिप्रेशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ख़त्म हो जाएंगे। ये एक इतना पावरफुल अमल है, यकीन करें आप जितनी भी टेंशन डिप्रेशन में होंगे आपका ये टेंशन और डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करूंगी आप इसे ज़रूर करेंगे। और दूसरा अमल ये है कि जब आपने रात को सोना है तो सोने से पहले आपने 100 दफ़ा शहादत की उंगली को लेकर अपने माथे पर अल्लाह लिखना है और साथ में बोलना है अल्लाह। 100 दफ़ा अल्लाह लिखना है और अल्लाह बोलना है। चंद दिन ये अमल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फजीलत से, उसके करम से आप ठीक हो जाएंगे और डिप्रेशन जैसी बीमारी से दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो डिप्रेशन का शिकार है। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह इतनी कसरत के साथ पढ़िए, यकीन जानिए और दिल से पढ़िए, इस बीमारी से आप दूर हो जाएंगे और अपने आप को सुकून महसूस करेंगे। आप इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कीजिए और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो इस बीमारी में। उम्मीद करूँगी आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अपना ख्याल कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।